हेलो फ्रेंड्स, आप कैसे हैं? बीएससी फर्स्ट ईयर के बच्चों का भगवती पीजी ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। देखिए स्टूडेंट्सों, हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो स्टीरियो केमिस्ट्री टॉपिक चल रहा था, और इस स्टीरियो केमिस्ट्री में हम जो है पूर्व के वीडियो 5 हम आपको भेज चुके हैं। अब ये हमारा छठा वीडियो है हमारे स्टीरियो केमिस्ट्री का। तो इसमें हमारा जो पूर्व में जो टॉपिक चल रहा था वो आपेक्षिक एवं निरपेक्ष विन्यास चल रहा था। तो आपेक्षिक विन्यास जो कि हम डीएल नामकरण विधि पढ़ रहे थे, और डीएल नामकरण विधि के बाद में हमने निरपेक्ष विन्यास के नामकरण की आरएस पद्धति पढ़ी थी। उस आरएस पद्धति का फिर से हम दोहरान कर देते हैं। जिन यौगिकों के अंदर एक से अधिक रेल केंद्र उपस्थित होते हैं, उनके नामकरण के लिए हम डीएल नामकरण पद्धति का उपयोग न करके आरएस नामकरण पद्धति का उपयोग करते हैं। इसके लिए देखिए, आप पूर्व में बता चुके हैं, इसके लिए कॉम इन गॉड पद्धति का उपयोग किया गया। इसके आधार पर आरएस नामकरण पद्धति, आरएस की नामकरण पद्धति दी गई थी। इसमें देखिए आर व एस जो कि हमारे लैटिन भाषा के शब्द हैं। आर का मतलब होता है हमारा रिक्टेस यानी कि दायां, और सिस्टर का मतलब होता है हमारा बायां। ये हम पढ़ चुके हैं। द्रोण द्रोणक यौगिकों के अंदर इसके जो नियम है जो कि हमने पढ़ा है, पहला नियम हमने पद नंबर 5 के अंदर हमारा अनुक्रम नियम जो कि सीक्वेंस रूल बोलते हैं, और इस ऑन एम्बॉल्ड प्रयोग के अंदर जो कि आपकी ज्योमिति समायता के अंदर चाहे नामकरण पद्धति है ज्योमिति समायता के अंदर, उसके अंदर परमाणु क्रमांकों के आधार पर उच्चतम परमाणु क्रमांक वाले को पहले वरीयता मिलेगी। जैसे हम एग्जाम्पल के रूप में हम पढ़ चुके थे आई बी आर सी एल और एस। आयोडीन का परमाणु क्रमांक उच्च है, बी आर का सीता क्लोरीन का उच्च है। दूसरा इसमें उदाहरण, यदि किसी भी अनसिमेट्रिकल कार्बन परमाणु असंगत कार्बन परमाणु से दो समान प्रतिस्थापी जुड़े हुए हो तो उसके से जुड़े हुए अन्य परमाणु के आधार पर उसको वरीयता मिलती है। हमारा एग्जाम्पल नंबर 1 सीक्वेंस रूल में, एग्जाम्पल नंबर 2 भी हम पढ़ चुके थे CH3, CH2, CH3, और ये हमारा OH मान लीजिए, और ये हमारा OH। तो OH को पहले वरीयता मिल रही है। अब इसमें देखिए, इसमें जो मैजिक समूह है उसमें कार्बन परमाणु जो है हमारा हाइड्रोजन हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है, जबकि इसमें अन्य परमाणु हमारा कार्बन कार्बन से जुड़ा हुआ है। तो इसलिए OH की बाद में हमारे CH3, CH2, CH3 और H2 वरीयता मिलती है। तीसरा हमने कहा द्विआबंध व त्रिआबंध से जितने से भी जुड़ा है तो उसके समतुल्य माना जाता है। जैसे हमारा डबल बॉन्ड A, तो ये जो है हमारा 2 के समतुल्य माना जा रहा है। ट्रिपल बॉन्ड ये हमारा ए ए ए, जैसे हमारा उदाहरण के रूप में हम कर चुके थे CHO यानी सी डबल बॉन्ड ओ बॉन्ड एच, तो बॉन्ड सी बॉन्ड ओ एच ये ओ के समतुल्य माना जाएगा। या जैसे सी ट्रिपल बॉन्ड है तो सी बॉन्ड एन
और ब्रह्म है, ये तीन के शब्द के माना जाएगा। तो इस प्रकार से अनुक्रम नियम में हम इन नियमों को पढ़ चुके हैं। पद नंबर एक के अंदर जो सीक्वेंस रूल्स है इसके अंदर हम इन नियमों को पढ़ चुके हैं। अगला इसी के अंदर हमने जो पढ़ा था समस्त अनिकों के अंदर कुछ ब्रह्मांड संख्या वाले को पहले वर्गीकरण ड्यूटेरियम इज ग्रेटर देन एन, क्योंकि ड्यूटेरियम की ब्रह्मांड संख्या दो और प्रोटियम की वन होती है, इसलिए इसको पहले वर्गीकरण मिलेगी। तो अनुक्रम नियम के अनुसार जिनके परमाणु क्रमांक उच्च हो उनको पहले वर्गीकरण मिलेगी, जिनके अंदर डबल बॉन्ड आ रहा है वो दूसरे जुड़ा हुआ माना जाता है, एक समतुल्य हुआ, ये ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा हुआ, तीन ए, तो हमने एग्जाम्पल के रूप में एलडीहाइड ले लिया या डबल बॉन्ड दो है ऑप्शन, तो ये दो को से जुड़ा हुआ है, ट्रिपल बॉन्ड एन एस आई एन तीन एन से जुड़ा हुआ है, तो इस प्रकार से इनके समतुल्य माना जाएगा नाइट्रोजन के। तो इस प्रकार से हमारा द्रव्यमान संख्या है, तो द्रव्यमान संख्या में कुछ द्रव्यमान संख्या को पहले वरीयता मिलेगी। तो ये आप देखिए स्टूडेंट्स पूर्व के वीडियो में हम पढ़ चुके हैं, और ये वीडियो जो हमारे थे 31 तारीख की हम बात कर रहे हैं, इसके बाद में बीच में थोड़ा बहुत आ गया था कि नेट की समस्या रही थी, हम आपको वीडियो नहीं दे सके, उसके बाद में दीपावली का पर्व आ गया, तो अब हम बिल्कुल कंटिन्यू चल रहे हैं। यहाँ पे जहाँ से हमने आपको छोड़ा था वहीं से हम वापस आपको थोड़ा सा दौरान करके और इस स्टीरियो केमिस्ट्री को हम आगे बढ़ा रहे हैं। आपेक्षिक और निरपेक्ष विन्यास हमने आपको यहाँ से छोड़ा था, तो निरपेक्ष विन्यास से हमने आपको वापस नियमों के बारे में आपको बता दिया, और अनुक्रम नियम के बाद में दूसरा नियम जो हमारा था वो था रूपांतरण नियम। हमने यह रूपांतरण नियम में आगे आपको छोड़ा था, तो रूपांतरण नियम देखिए ये उच्च से निम्न की रूपांतरण नियम हम स्टीरियो केमिस्ट्री में जो पढ़ रहे हैं, रूपांतरण नियम देखिए पद नंबर हमारा सेकंड रूपांतरण नियम। रूपांतरण नियम में देखिए इसमें क्या होगा कि तीनों उच्चतम वरीयता वाले समूह हमारी आंखों के सामने हो, लेकिन चौथा न्यूनतम वरीयता वाला समूह हमारी आंखों के सामने नहीं। जैसे हमारा एक उदाहरण है हम CHO COH और H और CH2OH। अब सीक्वेंस नियम के अनुसार देखिए हमारा उच्च वरीयता वाला जो समूह है वो है हमारा ये ग्लिसरेडियड का आपने एग्जाम्पल लिया है, और ग्लिसरेडियड के अंदर देखिए उच्चतम वरीयता वाला जो हमारा उदाहरण OH सबसे अधिक CHO CH2OH और हमसे अधिकतम कार्बन परमाणु है ग्लिसरेडियड हमने एग्जाम्पल लिया ये लीजिए। तो देखिए हम इसको निम्न प्रकार से भी लिख सकते हैं उच्चतम वरीयता वाले, जैसे हमारा ये कार्बन है समझने की कोशिश करें उच्चतम वरीयता वाला OH, उससे ये हमारा हो गया CHO, ये हो गया हमारा CH2OH और ये जस्ट पीछे हमारा ये लीजिए। हम इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, शब्द को हम निम्न प्रकार से भी लिख सकते हैं, या हम इसको देखो इस प्रकार से भी लिख सकते हैं ये हमारा कार्बन, ये हमारा OH, ये हमारा CHO और ये हमारा CH2OH और ये हमारा OH। तो देखिए ये पद नंबर सेकंड में हम जो है तीनों समूह उच्चतम वरीयता वाले हमारी दृष्टि के सामने हैं, लेकिन चौथा जो है वो हमारी दृष्टि के सामने नहीं है। हम ग्लिसरेडियड अणु को हम निम्न प्रकार से भी प्रदर्शित कर सकते हैं। पद नंबर तीन के अंदर समूह के वरीयता क्रम के आधार पर समूह के अंदर जो पद नंबर तीन हम पढ़ेंगे पद नंबर तीन में वरीयता
के क्रम के अनुसार, यानी उच्चतम हमारा सबसे पहले, जैसे नंबर एक, उसके बाद में नंबर दो, उसके बाद में नंबर तीन, ये तीनों उच्चतम मर्यादा वाले समूह हमारी आंखों के सामने हो, चौथा हो वो निम्नतम जो हमारी आंखों के सामने नहीं हो। यदि हमारी आंखें दक्षिणावर्त होती है, यदि हमारी आंखें दक्षिणावर्त होती है तो ये आग हो, यदि हमारी आंखें वामावर्त घूमती है तो ये एस विन्यास होगा। कैसा विन्यास होगा? एस विन्यास होगा। तो देखिए, पद नंबर एक हमारा था सिक्वेंस रूल, दूसरा हमारा रूपांतरण नियम, तीसरा हम जो है वरीयता के क्रम के अनुसार का निर्धारण करते हैं। उच्चतम नंबर एक, जैसे सबसे उच्चतम हमारा ये एक, ये दो और ये तीन। तो ये देखिए हमारी आंखें दक्षिणावर्त हो गई, तो ये हमारा आर विन्यास हो गया। तो इसी प्रकार से हम इन एग्जाम्पलों से, इन उदाहरणों से हम आर और एस विन्यास का निर्धारण कर सकते हैं। तो देखिए ये हमारा क्या हो गया, आर विन्यास, क्योंकि हमारी आंखें दक्षिणावर्त हो गई। अब यदि मान लीजिए हमने इसको लिख लीजिए आपका, ये आपका हो गया ओ एच, ये हो गया हमारा सी एच ओ, ये हो गया हमारा सी एच ओ एच और ये आपका। तो देखिए नंबर एक, नंबर दो और नंबर तीन, तो ये देखिए उच्च से निम्न की ओर आ गया, ये देखिए। तो ये हमारी आंखें जो है, ये हमारी आंखें बाई ओर होगी, ये दाई ओर होगी, दक्षिणावर्त होगी, तो ये आर विन्यास होगा और ये एस विन्यास होगा। इसी प्रकार से हम दूसरा एग्जाम्पल इलस्ट्रेटर के अलावा हम लैक्टिक अम्ल का उदाहरण भी दे सकते हैं। तो देखिए लैक्टिक अम्ल के उदाहरण में, इलस्ट्रेटर के बाद में हम लैक्टिक अम्ल का उदाहरण देखिए। लैक्टिक अम्ल दूसरा एग्जाम्पल हमारा रूपांतर नंबर एक, रूपांतर नंबर फर्स्ट, अनुक्रम नियम, ये हो गया हमारा अनुक्रम नियम। तीसरा हमारा वरीयता क्रम के अनुसार हमने दायर कर रहे हैं, तो लैक्टिक अम्ल में देखिए सी डब्ल्यू एच, सी यू एच, ई एच और ई सी, ये हमसे लैक्टिकल डाउन। आप देखिए इसके आर और एस में, ये हमारा कार्बन उच्चतम वरीयता वाला समूह ओ एच, सी डबल ओ एच, सी एस थ्री और एच। तो ये देखिए हमारा ओ एच, ये एच, ये सी डबल ओ एच और एच। तो नंबर एक, नंबर दो, नंबर तीन, तो हम उच्च से निम्न की ओर आ रहे हैं, तो ये हमारा एस विन्यास है, यानी दक्षिणावर्त हो रहे हैं, दक्षिणावर्त। और दूसरा देखिए इसको हम ये लीजिए आप, ये हमारा ओ एच, ये एच, ये सी डबल ओ एच और ये हो गया हमारा सी एच। नंबर एक, नंबर दो, नंबर तीन, ये हो गया हमारा उच्च से निम्न, तो ये हो गया हमारा एस विन्यास। ये हो गया हमारा वामावर्त विन्यास। तो इस प्रकार से देखिए स्टूडेंट्स, ये आर और एस विन्यास के आधार पर हम स्टीरियो केमिस्ट्री में नामकरण कर रहे हैं, जो कि प्रश्न पूछे जाते हैं। इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। आप देखिए हमने
लैक्टिक अम्ल रेस्पिरेटरी एक्ट में इन उदाहरणों की चर्चा करें। अब हम फिशर प्रक्षेपण से आरएस नामकरण करेंगे। फिशर प्रक्षेपण से आरएस नामकरण हम करेंगे। फिशर प्रक्षेपण से देखिए आरएस नामकरण निरपेक्ष विन्यास करेंगे। फिशर वैज्ञानिक के आधार पर है वो देखिए। फिशर प्रक्षेपण ये देखिए फिशर प्रक्षेपण से फिशर प्रक्षेपण फिशर प्रक्षेपण फिशर प्रक्षेपण से आर एस नामकरण फिशर प्रक्षेपण से आर एस नामकरण। देखिए कागज के तल पर हम उदाहरण के रूप में हम जैसे ग्रेस्ले एंड की चर्चा करें ग्रेस्ले एंड हाई। देखिए इसमें हम जो है ग्रेस्ले एंड के अंदर तीनों उच्चतम वरीयता वाले समूह हमारी आंखों के हमारी दृष्टि के सामने और न्यूनतम वरीयता वाला समूह या तो ऊपर हो या नीचे। उच्चतम वरीयता वाले तीनों एक क्षेत्र में हम निम्नतम वरीयता वाला समूह जो है ऊपर परिवर्तित करके या तो ऊपर हो या उसे नीचे लाया जाए। जैसे जैसे हमने हमारा एग्जाम्पल देखिए सी एच ओ सी ओ एच और ये एच और ये हमारे सी एच ओ तब इसके अंदर हम आर एस नामकरण देखिए हम करेंगे। न्यूनतम वरीयता वाला समूह या तो हमारा बाई ओर हो लेकिन इसे निम्न प्रकार से नीचे लाया हमारा बाई ओर इसे निम्न प्रकार से नीचे लाया जा सकता है। देखिए ये फिशर प्रक्षेप के अनुसार सी एच ओ ओ एच एच और सी एच ओ प्रथम परिवर्तन ये देखिए प्रथम परिवर्तन कर रहे हैं तो ये एच तो आपको याद है ये ओ एच आपको याद है तो देखिए ये हो गया हमारा सी एच ओ ये हो गया हमारा ओ एच ये हो गया एच और ये हो गया हमारा सी एच ओ ओ एच। अब देखिए द्वितीय परिवर्तन में ये तो याद चले गया ये हो गया हमारा द्वितीय परिवर्तन ये और ये ओ एच और ये हमारा सी एस टू ओ एच और ये एच और ये सी एच तो ये देखिए उच्चतम से नंबर एक नंबर दो ये तीनों हमारे आंखों के सामने और निम्नतम वर्तम वरीयतम वाला शब्द या तो ऊपर हो या नीचे तो ये हमारा आर्मन्यास है दक्षिणा क्या कहलाएगा हमारा ये आर विन्यास कहलाता है। दक्षिणावर्त का वामावर्त होने पर एस विन्यास कहलाता है यानी कि एक दो और ये उच्चतम वरीयता वाले समूह। अब इसका मैं एस विन्यास करेंगे तो देखिए ये आपका एस विन्यास क्या होगा ये आपका यहां जाएगा ये ये भी तो देखो सी एच ओ आपका ये जाएगा ये आपका सी एच ओ एच हो गया ये आपका ओ एच ये उच्चतम से एक दो और ये हमारा एस विन्यास हो गया। तो आर और एस विन्यास प्रेशर प्रक्षेपण सूत्र से हम निम्न प्रकार निर्धारण करते हैं। इसमें क्या है हमारा कि जो निम्नतम वरीयता वाला समूह है पहले हमें वरीयता का निर्धारण करना है ओ एच सी एच ओ सी एच टू ओ एच सबसे न्यूनतम है की वरीयता है इसको या तो सबसे ऊपर लाया है या सबसे नीचे लाया है।
तो फिर हमारे जो उच्चतम मर्यादा वाले एक दो तीन वो हमारे दृष्टि के सामने हैं। यदि हम दक्षिणावर्त घूम रहे हैं तो आर्यन्यास, यदि हम वामावर्त घूम रहे हैं तो महान्यास न्यास। इसी प्रकार से देखिए स्टूडेंट्स, हम दूसरा एग्जाम्पल वैयक्तिक अंग का ले सकते हैं। ये आपका वैयक्तिक अंग है, ये आपका ओ एच, ये एच, ये सी डबल ओ एच और ये सी। अब देखिए इसमें ये हमारा वैयक्तिक अंग है, ये तो हमारा ग्लिसरिन एल डी है, ग्लिसरिन एल डी है और ये हमारा लैक्टिक अम्ल है। क्या हमारा लैक्टिक, ये आपका आ गया, ये आपका आ गया, ये प्रथम परिवर्तन। तो ये देखिए ये सी डबल ओ एच और ये आपका हो गया ओ एच, ये हो गया आपका एच और ये सी, ये तो यहां गया, ये हो गया हमारा द्वितीय परिवर्तन। ये द्वितीय परिवर्तन में देखिए आप, ये आपका सी डबल ओ एच, ये ओ एच, ये आपका सी एच थ्री ओ एच। तो नंबर एक, नंबर दो, नंबर उच्चतम मर्यादा वाले समूह, ये उच्चतम मर्यादा वाले समूह। तो ये हो गया हमारा आर विन्यास। ये लीजिए कैसा विन्यास हो गया, यानी हम दक्षिणावर्त घूम रहे हैं और यदि हम इसको एस विन्यास वामावर्त की ओर करना चाहें तो देखिए ये हमारा यहां गया और ये हमारे यहां गया। ये हो गया आपका देखिए सी डबल ओ एच, ये आपका ओ एच और ये हमारा सी एस थ्री और ये उच्च से हम ले रहे हैं, ये हमारा हो गया एस विन्यास। तो देखिए स्टूडेंट्सों, हमने फिसल कक्षे यानी और निरपेक्ष विन्यास के आधार पर आर एस नामकरण विधियों का अध्ययन किया। अब आगे देखिए, हम एक सवाल आपको देते हैं और वो सवाल है आपका, देखिए निम्न यौगिकों में आर अथवा एस विन्यास निर्धारित कीजिए। हमने दो एग्जाम्पल आपको करा दिए, वैयक्तिक अंग और ग्लिसरिन एल्डिहाइड के अंदर फिसल प्रक्षेपण सूत्र के आधार पर। इसके बाद में देखिए निम्न यौगिकों में सवाल है हमारा, निम्न यौगिकों में क्वेश्चन है हमारा, निम्न यौगिकों में, निम्न यौगिकों में आर अथवा एस विन्यास निर्धारित कीजिए, आर अथवा एस विन्यास निर्धारित कीजिए। निम्न यौगिकों में आर अथवा एस विन्यास निर्धारित कीजिए। देखिए हमारा सवाल है सी डबल ओ एच, सी डबल ओ एच, एच ओ एच और सी एच टू ओ एच। इसके अंदर आप वरीयता क्रम का निर्धारण कीजिए। वरीयता क्रम का निर्धारण देखिए, सबसे उच्चतम है वरीयता ओ एच, उसके बाद में हमारा सी डबल ओ एच, उसके बाद में सी एस ओ एच, सबसे कम एच। ये देखिए आप देखिए, अब ये हमारा सवाल है, आप सी डबल ओ एच, ओ एच और एच और ये सी एस। आप देखिए
प्रथम परिवर्तन, प्रथम परिवर्तन में यदि आप ये तो आ गया आपका ये और ये आ जाएगा, तो ये हो गया हमारा एच, ये हो गया हमारा डबल ओ एच, और ये हो गया हमारा ओ एच, और ये हो गया हमारा स्पेस ओ एच। द्वितीय में देखिए, द्वितीय परिवर्तन, द्वितीय परिवर्तन में क्या होगा, ये तो यहाँ चले जाए, ये यहाँ जाए, तो ये देखिए हमारा सी एस टू ओ एच, सी डबल ओ एच, ओ एच, तो ये देखिए कुछ से मिलते एक दो तीन, तो ये हो गया एक्सपीरियंस, ये हो गया आपका बारहवां बार। आगे करना में क्या होगा, अब आप देखिए आगे यहां से ये इसको यहां ले जाइए और ये यहां ले जाइए, अगले घटना में क्या होगा, ये लीजिए सी डबल ओ एच और ये हो गया हमारा ओ एच, ये हो गया हमारा सी एस टू ओ एच, और ये उच्च से निम्न एक दो तीन, तो ये हो गया हमारा आर, तो ये लीजिए स्टूडेंट्स। इस तरीके के सवाल आएंगे, बहुत ही सिंपल है, हमें सबसे पहले उसके अंदर हमें उच्चतम वरीयता का निर्धारण करना है कि कौन सा समूह हमारा पहले आ रहा है वरीयता के आधार पर, और वो हमारा सीक्वेंस रूपांतरण नियम, और हमने वरीयता के आधार पर निर्धारण कर ही दिया था, वो नियम पद नंबर एक, पद नंबर दो, पद नंबर तीन। किसान निरपेक्ष विन्यास के अंदर हम पढ़ गया है, फिर किसान प्रक्षेपण में हमने आर एस नामकरण किया, बहुत ही सिंपल है। इस तरीके से हमें यहाँ पर जो फेर केंद्र है ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज रेखाएं दोनों जो मिलती है जो कार्बन की है वो आपका किरण केंद्र है, आपको या कार्बन के रूप में नहीं दिखा करके किसान प्रक्षेपण में आर एस नामकरण इस तरीके से करते हैं। तो ये हमारे आपेक्षिक और निरपेक्ष विन्यास के नामकरण की दोनों विधियां टॉपिक हमारा फिनिश हो गया। अब हम इसी स्टूडियो केमिस्ट्री के अंदर अगला टॉपिक जो पढ़ेंगे ज्योमेट्री समायता, हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक इस आपेक्षिक और निरपेक्ष विन्यास के बाद में जो हम पढ़ेंगे वो है हमारा ज्योमेट्री समायता। तो देखिए ज्योमिति समायता, प्रकाश समायता की बात है, ज्योमितीय समायता, देखिए ज्योमिति समायता जो है मैं उसे प्रतिबंधित, प्रतिबंधित घूर्णन के कारण, घूर्णन के कारण होती है, प्रतिबंधित घूर्णन के कारण होती है, जिसको हम तत्ता के मॉडल के आधार पर समझ सकते हैं। किस प्रकार से, ये देखिए हमने दो गत्ते लिए, ये हमारे लोगों ने कल्प कर दिया, आप समझने की कोशिश करें, और ये देखिए फ्री मुक्त घूर्णन हो गया, एकल बल, फ्री रेडिकल, तो ये हमारा मान लीजिए दाईं ओर है, ये हमारे देखिए तो ये प्रतिबंधित घूर्णन नहीं है, ये लीजिए ये दोनों का परिचय, अब दाईं ओर थी अब ये बाईं ओर आ गई, लेकिन देखिए प्रतिबंधित घूर्णन द्विआवर्त यौगिकों में पाया जाता है, ये डबल यौगिक है। आप देखिए ये हमारा कलर दोनों एक तरफ है, अब हमें प्रतिबंधित बिल्कुल एक फिक्स है, और ये देखिए आपका
संबंधित गुणन के कारण समपक्ष और विपक्ष गुण का निर्माण। तो ये हो गया हमारा प्रतिबंधित गुणन के कारण। प्रति ज्योमिति समानता जो है प्रतिबंधित गुणन के कारण, यानी ऐसे योग जिनमें प्रतिबंधित गुणन के कारण भिन्न परमाणुओं या समूहों के त्रिविंग में दो भिन्न विन्यास प्राप्त होते हैं वो ज्योमिति समानता कहलाते हैं। प्रतिबंधित गुणन के कारण भिन्न भिन्न परमाणुओं या समूहों में त्रिविंग समानता के दो उपाय रहते हैं समपक्ष और विपक्ष, वो ज्योमिति समानता कहलाती है। इस प्रकार की जो समानता है वो निम्न यौगिकों में पाई जाती है। नंबर एक एल्किनों में C:C, दो है ऑक्सीनों में C:N, तीसरा है एलिसाइक्लिक यौगिकों में, चक्रीय यौगिकों के अंदर। तो देखिए स्टूडेंट्सों, हमारा पूर्व के वीडियो में जो टॉपिक हमारा चल रहा था जिसको आज के वीडियो में हमने फिनिश कर दिया, आपेक्षिक और निरपेक्ष विन्यास, आरएस अवकारण पद्धति, और नया टॉपिक हमारा जो ज्योमिति समायता जिसे हम पढ़ रहे हैं, अगले वीडियो में हम इसे पढ़ेंगे। धन्यवाद, आज के लिए इतना ही बहुत।